खबर रीवा जिले से है, जहां भाजपा कार्यालय के सामने बने 3 दशक पूर्व भोलेनाथ के मंदिर को तोड़ा जा रहा था। मंदिर तोड़ने की जानकारी बजरंग सेना को हुई तो सैकड़ों की संख्या में पहुंचे बजरंग सेना के पदाधिकारियों ने रोक लगा दी। इस दौरान जेसीबी मशीन से तोड़ रहा चालक मौके से फरार हो गया। घटना की जानकारी पुलिस को दी गई तो मौके पर सिविल लाइन थाना प्रभारी एसडीएम एसडीओपी के साथ भारी पुलिस बल पहुंचा और मामले की जानकारी ली। तब तक मंदिर के पुजारी और समिति के सदस्य पहुंचे और बताया कि उक्त मंदिर का जीर्णोद्वार किया जाना है। हालांकि बिना प्रशासन को सूचना दिए रात में मंदिर तोड़ना कोई साजिश थी या जीर्णोद्वार, यह तो कमेटी और प्रशासन जाने। लेकिन यह माना जा रहा है कि बजरंग सेना की सतर्कता और प्रशासन के त्वरित कार्यवाही से विवाद की स्थिति टल गई। अब देखने वाली बात यह होगी कि मंदिर का जीर्णोद्वार हो रहा है या कॉम्प्लेक्स और भाजपा कार्यालय के सामने बनी मंदिर को हटाने की साजिश है। आइए आपको दिखाते हैं पूरी घटना और सुनाते हैं मंदिर के पुजारी के साथ स्थानीय लोगों को और पुलिस प्रशासन का क्या कहना है। स्थिति तो निश्चित रूप से उनकी आदमी चलिए सर चलिए। क्या नाम है पंडित जी? आपके द्वारा पूरा मामला ये सर, ये मंदिर 1984 का बना हुआ है। राज्य परिवहन वालों ने, हम सब कर्मचारियों ने मिल करके इसका निर्माण कराया था। ये टोटल ईंट की दीवार का बना था। मार्ग के ऊंचा हो जाने के कारण ये मंदिर 3 फुट नीचे हो गया रोड से, और पूरे मार्ग का पानी मंदिर के अंदर से बहता है, भगवान के समीप से बहता है। लोगों को आने जाने में परेशानी। मंदिर का जो बारजा था वो भी 1984 से आज तक में ऊपर छत में पानी भरने के कारण बिल्कुल जीर्ण हो गया था। यहाँ तक कि उसका छप्पर 2-4 लेबरों के ऊपर भी गिर चुका, जिससे उन लोगों को आघात पहुँचा। इसी दृष्टि को देखते हुए मंदिर के पुनरोद्धार का संकल्प मैंने लिया और ऐसा सोचा कि इसकी यदि मरम्मत हो जाए, सही स्वरूप इसको मिल जाए। विरासत की स्थिति है ये राज्य परिवहन की। लोगों से मैंने चर्चा किया, जो लोगों ने मुझे आश्वासन दिया इस कमेटी के अंतर्गत आए, मैंने उनका सहारा लेकर के और भगवान के इस देवालय को पूर्ण रूपेण पुनः नवजीवन देने का संकल्प लिया। और प्रशासन एवं थाने को सूचना नहीं दी थी, यही मुझसे त्रुटि हो गई। लोगों की आस्था, श्रद्धा और विश्वास का सहारा लेकर के मैंने भगवान के कार्य को प्रारंभ करा दिया। देखना चाहिए कि पास शंकर जी की मंदिर का निर्माण का क्या था पूरा मामला। देखिए, करीब 10 बजे के आसपास हमको ये सूचना मिली कि कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा जेसीबी लेकर के एक हनुमान जी, वो शंकर जी का मंदिर है, उसको तोड़ा जा रहा है।
और हमारे पदाधिकारी जो बजरंग सेना के हैं, कई पदाधिकारी मौके पर पहुंच गए थे, लेकिन जब बाद में कुछ स्थानीय जो कमेटी के लोग हैं वो सब आए वहाँ पर, और एक शायद वहाँ पे पोस्ट भी चिपकी हुई थी, बाद में ये पता चला कि वहाँ पे जीर्णोद्धार चल रहा है और मंदिर को भव्य तरीके से वहीं पे बनाया जा रहा है, जिसके संबंध में जो प्रशासनिक अधिकारी थे उनके साथ में भी उसको लेकर के चर्चा हुई और ये सहमति बन गई है कि वो जीर्णोद्धार ही चल रहा है। अगर अच्छा कार्य हो रहा है, मंदिर का जीर्णोद्धार हो रहा है, तो बजरंग सेना इसका समर्थन करती है और हम सब लोग इस कार्यवाही को वापस भी लेने के लिए बोल दिए हैं सर को। नाम बताओ। रामशंकर मिश्रा हूँ, राष्ट्रीय संगठन मंत्री बजरंग सिंह जी। हम लोग के पंडित जी के द्वारा कई दिनों से, विगत कई महीनों से कहा जा रहा था कि जो मंदिर है, जो रोड का निर्माण हुआ जिसके कारण मंदिर नीचे हो गया है और पूरे सीवर का पानी मंदिर के अंदर घुस रहा है, उसके कारण बार बार कभी समस्या हो रही थी, तो पंडित जी के द्वारा सभी मोहल्ले के निवासियों से निवेदन किया गया, अनुरोध किया गया, उनसे कहा गया कि सब लोग आपस सहयोग करें और मंदिर को जीर्णोद्धार कराया जाए, क्योंकि मंदिर बहुत जर्जर अवस्था में था, कई बार छज्जे गिर गए, कई बार उसका प्लास्टर गिरता था टूट टूट के, तो ऐसा लगता था कभी कोई दुर्घटना न घट जाए, इसलिए पंडित जी ने ये सोच रखी कि इस मंदिर का जीर्णोद्धार कराया जाए और सभी के सहयोग से, मोहल्ले के सहयोगियों से, तो हम लोग को भी उन्होंने इसके बारे में अवगत कराया। हम लोगों ने एक सहयोग की भावना से कि एक धर्म का कार्य है, पुण्य का कार्य है, सभी ने मोहल्ले के लोगों ने, कई लोगों ने उसमें आपसी अपना सहयोग देने का किया और इसी परिप्रेक्ष्य में यह हुआ कि आज मंदिर का उसको ऊपर का गुंबद क्योंकि जर्जर था तो उसको हटा कर नया गुंबद बना के उसको भव्य तरीके से उनकी प्रतिष्ठा मतलब उनको स्थापित किया जाए। और बाद में पता हम लोग को ये चला, रात में पंडित जी का फोन आया कि शायद वहाँ पर कुछ कन्फ्यूजन मतलब लोगों को कन्फ्यूज विवाद की स्थिति निर्मित हो रही, क्योंकि लोगों को सही जानकारी नहीं थी मामले के बारे में, तो हम लोग वहाँ पहुँचे और बात की, वहाँ प्रशासन, पुलिस प्रशासन सभी लोग थे और बाकी जिनको आपत्ति थी उनको भी हमने इस बारे में अवगत कराया और वो लोग भी हमारी बातों से सहमत हुए कि हाँ हम लोग जो कह रहे हैं वो सत्य है और उन्होंने इस बात को समझा और इसमें किसी भी पक्ष की कोई भी दुर्भावना कोई नहीं, सभी एक धर्म का काम करना चाह रहे हैं और इसी नियत से उसे हम लोग ये चाहते हैं कि मंदिर का भव्य निर्माण हो और सभी के सहयोग की अपेक्षा है और जिनको भी वो थी वो लोग भी इस चीज़ से सहमत जी। वर्तमान में जहाँ भी मंदिर स्थापित है वहीं बनवाना चाहते हैं जी, उसी स्थान पे, सिर्फ उसको जो उसका जर्जर भाग है उसको हटाकर वहाँ पे नए तरीके से उसको एक नया निर्माण करना है, जो भी जर्जर अवस्था है उसको तो हटाकर। नाम बताओ। दयाशंकर पांडे। सर, ढेका किराए के पास मंदिर का निर्माण होना है, कुछ लोगों में भ्रम की स्थिति उत्पन्न हुई थी सर, क्या था पूरा मामला? हाँ, ये सूचना मिली कि ढेका किराए में एक मंदिर तोड़ा जा रहा है, हमने तत्काल अपने सभी शहर के थानों के फोर्स को एकत्रित किया, वहाँ पर मौके पर जाकर के ये ज्ञात हुआ कि पंडित के पुजारी पूरन शुक्ला जी, जो कि मंदिर में पानी इकट्ठा होने के कारण, मंदिर में सीवेज का पानी जा रहा है, वहाँ पर उन्होंने बोर्ड भी लगाया हुआ था कि ये मंदिर का जीर्णोद्धार हमको करना है, तो पंडित जी का इरादा अच्छा था मगर उन्होंने प्रशासन को सूचना नहीं दी थी, इस वजह से ये भ्रम की स्थिति पैदा हुई। मौके पर SDM साहब और पुलिस प्रशासन पहुँच करके इस स्थिति को विवादित होने से बचाया और समाज के ही लोग जिनके पंडित जी ने जिनका सहयोग लिया, अजय तिवारी, राजीव शर्मा, सुरेंद्र पांडे इत्यादि जिनके संज्ञान में ये बात थी और वो लोग एकत्रित हुए, जो पहले ये भ्रम की स्थिति बनी हुई थी कि मंदिर को तोड़ा जा रहा है, वो विवादित स्थिति न बनते हुए सामंजस्य से भविष्य में इस मंदिर को बनाया जाए और सामाजिक सहयोग से इस मंदिर का और अच्छा कार्य हो, तो इसके लिए अभी थाने में दोनों पार्टियाँ इकट्ठी होकर के इस विवाद को ख़त्म करने की स्थिति में हैं। जिसे ढेका तिराहे में मंदिर का गिरा के पुनर्निर्माण कार्य हो रहा था, तो क्या था पूरा मामला, काफ़ी बवाल हुआ था? सूचना प्राप्त हुई थी कि ढेका तिराहे पे प्राचीन शिव मंदिर था, चूँकि जीर्ण शीर्ण हो चुका था तो कुछ लोगों ने वहाँ प्लान करके उस मंदिर को नया बनाने के लिए और भव्य बनाने के लिए प्लान किया था, चूँकि मंदिर का निर्माण कार्य आज से उन लोगों ने शुरू किया था, JCB के माध्यम से उसके क्षतिग्रस्त हिस्से को तोड़ने का काम हो रहा था, वहाँ जो कुछ लोगों ने अचानक देखा तो ये प्रतीत हुआ लोगों को कि मंदिर को ध्वस्त किया जा रहा है, तोड़ा जा रहा है, उन लोगों ने उसका विरोध किया, थाने में सूचना दी, थाने को सूचना दी, पुलिस बल मौके पर पहुँचा, SDM साहब आए, CSP साहब, SDOP साहब और पुलिस बल पहुँचा, लोगों से जब चर्चा की गई तो ये पता चला कि इस मंदिर को जीर्णोद्धार के हिसाब से इसको तोड़ा जा रहा है, न कि किसी असामाजिक तत्व के द्वारा उसको तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, सद्भावना पूर्वक मंदिर को नया निर्माण करने का इनका उद्देश्य था, जो विवाद की स्थिति थी वो विवाद शार्ट आउट हो गया है और सारे दोनों पक्ष के लोग जो विवाद कर रहे थे, विरोध कर रहे थे, वो लोग मिल करके वहाँ पे एक नया मंदिर, अच्छा मंदिर बनाने के लिए संकल्प लिए हैं और अब ऐसी कोई विवाद की स्थिति नहीं है।
अब सर मौके की स्थिति वहाँ की कैसी है? मौके में सारे लोग बिल्कुल आपस में सहमत हैं, सौहार्द का माहौल है, शांत है और वहाँ पे ऐसी कोई विवाद की स्थिति अब नहीं है।